हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यह बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बुक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें इसकी खासियत क्या होगी, तो इसमें आपको सैल्यूट पेपर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसमें दोस्तों 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे आपके एग्जाम में दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन 2100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इस बुक में रखे गए हैं। इसे आप लोग दो से तीन तरीके से दोस्तों बुक को बाय कर सकते हो। नंबर वन, किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर दोस्तों आप लोग ऑफलाइन मोड में इस बुक को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भी बुक मंगवा सकते हैं। नंबर थर्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग वहां पर जाके दोस्तों क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर संपर्क करके आप लोग जो है पेमेंट करके घर पर बुक जो है ऑर्डर करवा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर लो। धन्यवाद। हे दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यूपी एनएचएम भर्ती 2022, दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से 8037 पदों पर नर्स एंड एनएम की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में दोस्तों अभी अभी यहाँ पे नई अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें आप लोग सबसे पहले देख सकती हो। आपको बता दें सीएमओ ऑफिस, यह सीएमओ ऑफिस से नई अपडेट निकल के आ रही है कि 25 अगस्त को आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि दोस्तों 25 अगस्त से जो है आप लोगों के यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हिंदुस्तान ई पेपर में और अमर उजाला ई पेपर में इस न्यूज को यहाँ पे कवर किया गया था, जिसमें आप लोग न्यूज यहाँ पे देख सकती हो। एनएम व नर्स के 8037 पद भरे जाएंगे। इसके बारे में दोस्तों आज जो है नई अपडेट निकल के आ रही है, आज 9 अगस्त, आज की अपडेट है सीएमओ ऑफिस से दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है, जिसका प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों कब से आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, कब से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे और इस भर्ती में कौन कौन सी पोजिशन है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, बिल्कुल आपको दोस्तों ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि किस वेबसाइट पर जो है आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी और किस वेबसाइट से जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज पर। सबसे पहले आपको दोस्तों न्यूज की सारी जानकारी देंगे, इसके बाद दोस्तों इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, बिल्कुल आपको जो है ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दोस्तों न्यूज वाले ऑप्शन पर लेकर चलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जो है न्यूज निकल के आ रही है, इसकी जानकारी भी हमने आपको पहले भी दे दी है। एनएम व नर्स के 8037 पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम एनएम की बात करते हैं, अगर आपने एनएम का कोर्स कर रखा है तो एनएम के लिए दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। इसके अलावा अगर आपने जो है जीएनएम का रखा है और बीएससी नर्सिंग का रखा है तो दोस्तों आप लोग जो है नर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8037 पदों पर यह भर्ती आ रही है, बट अभी दोस्तों क्लियर नहीं है कि एनएम की कितनी वैकेंसी है और दोस्तों नर्स की यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, लेकिन एनएम व नर्स की यहाँ पर टोटल जो है 8037 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जिसके बारे में सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी की अपडेट है और मैं दोस्तों आपको बता दूं 25 अगस्त को जो है आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को भी पता चल चुका है, क्योंकि दोस्तों नई अपडेट निकल के आ रही है, 25 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आने वाला है। क्योंकि ये आज की देखिए बड़ी अपडेट है, आपको फिर बता देता हूँ कि सीएमओ ऑफिस से दोस्तों ये अपडेट जो है निकल के आ रही है, जिसमें अगर हम आपको बता दें तो फिरोजाबाद से दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन है यह दोस्तों एम्प्लॉय के द्वारा। जी हाँ, सीएमओ ऑफिस के एक एम्प्लॉय के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसमें सीएमओ ऑफिस जो है, सीएमओ ऑफिस अगर फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ से अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें 25 अगस्त 2022 को, यानी कि दोस्तों 25 अगस्त के आसपास जो है आप लोगों का 8037 पदों पर यह दोस्तों नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर आपके ने एनएम का रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। इसके अलावा अगर स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर आपने जीएनएम का रखा है
बीएससी नर्सिंग का रखा है तो दोस्तों आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको बता दें, बिल्कुल आप लोग जो है जाके सीएमओ ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हो, बट अभी आप लोग दोस्तों 25 अगस्त 2022 तक वेट करो। जैसे ही और भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया पर जो है आपको अपडेट मिलने वाली है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पर। तो दोस्तों अभी आप लोग यहां पे देख सकती हो, यह ऑफिशियली वेबसाइट है, यहां पे चेक कर सकती हो। नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यूपी एनएचएम का दोस्तों वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर ही आप लोगों की नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश की जाएगी। तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों डायरेक्ट जो है आप लोग इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकती हो। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कैरियर का ऑप्शन शो करेगा, उस वाले ऑप्शन पर भी जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा। 25 अगस्त आसपास आपको एक ऑप्शन शो करेगा, इसमें दोस्तों यूपी एनएचएम 8037 पदों पर जो वैकेंसी आएगी उसकी नोटिफिकेशन भी पब्लिश की जाएगी। इस तरह से आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा और आपका दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग 25 अगस्त 2022 तक वेट करिए। और आपको बता दें, जो 8037 पदों पर भर्ती आ रही है, यह दोस्तों संविदा पर भर्ती आ रही है, जी हाँ, और यह भर्ती दोस्तों यूपी एनएचएम करने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।